बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक नहीं कहूँगा, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 8 के बारे में मैंने कहा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ। मैं फारिग बैठा हुआ था तो CCNA की सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, तो मैं होप करता हूँ कि मेरी ये जो रिकॉर्डिंग है ये बिल्कुल ठीक चल रही है। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इसके पीछे मैंने विंडोज़ 8 भी चलाई हुई है इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, VM लगा के, ठीक हो गया। तो आज मैं जो है ना आपको 5-10 मिनट का क्विक व्यू दूंगा कि ये विंडोज़ 8 जो आई है अभी, इसका कैसा फीचर्स है, बिकॉज आई लव इट एंड आई लव इट, ठीक है। बहुत अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है। शायद मैं कभी यूज़ ना करूँ, मगर मेरे बच्चे ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा स्नीक व्यू दूंगा, और ये स्नीक व्यू, ये विंडोज़ का आइकन नहीं है, ये स्नीक व्यू आइकन है, और ये जो है ये मेरे जो नई विंडोज़ है उसका आइकन है, और इसके ऊपर काफ़ी तबसरे हो रहे हैं। बारह इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर फील्ड, वेल इन शॉर्ट ये कि आपको विंडोज़ 8 दिखाते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने ये यहाँ पे ना एक व्यू के अंदर लगाई हुई है, मुझे ये देखने दें कि आपको सब कुछ नज़र आ रहा है या नहीं, या आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तहा का मैंने लॉगिन बनाया हुआ है, और इसका पासवर्ड, उसे गाड़ियाँ बहुत पसंद है, ठीक है। ये देखो, दैट इज़ कॉल्ड मेट्रो इंटरफेस, ठीक है। ये सारे का सारा जो है मेट्रो इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। तो मुझे ज़रा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेने दो, क्योंकि ये आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। ये थोड़ा बेहतर है, ये VMware के अंदर मैंने इंस्टॉल की भी है इस वजह से, ठीक है। ये आपका ओवरऑल मेट्रो इंटरफेस है, जिसके बारे में बहुत सुनने में आ रहा है। एक्चुअली ये जो विंडोज़ बनाई गई है, ये टच स्क्रीन बेस्ड बनाई गई है, और इसके अंदर ये देख रहे हो आपको ये मिनी एप्स बनी हुई है, ठीक है। और ये जो मिनी एप्स के बाद ये राइट साइड पे जो एप्स हैं, ये लाइव एप्स हैं, ठीक है। ये रियल टाइम डाटा आपका फेच कर रही हैं, ठीक है। हम जरा वापस स्लाइड पे जाते हैं ताकि हम देखते जाएँ साथ साथ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेट्रो यूज़र इंटरफेस क्या है, ठीक है। तो पहले मेट्रो यूज़र इंटरफेस दिखा दूँ। ये आपका मेट्रो यूज़र इंटरफेस है। अगर आप विंडोज़ के अंदर ही हैं तो आपको ये मिलेगा इंटरफेस आपका, ठीक है। और अगर आपने किसी और इंटरफेस पे जाना है, लाइक आपने डेस्कटॉप पे जाना है, तो ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक हो गया। ये आपका डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप आप देख रहे होंगे कि ये विंडोज़ XP की तरह का नॉर्मल डेस्कटॉप है। रिसाइकल बिन का आइकन पड़ा हुआ है यहाँ पे, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ये खाली आइकन पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, स्टार्ट का बटन, कि आप स्टार्ट के बटन से जान छूट गई आपकी, ठीक है। अब आपने कोई भी चीज़ ढूंढनी या करनी है तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक हो गया। तो ये देख लो, ठीक हो गया। जब आप विंडोज़ का आइकन दबाते हो जो आपके कीबोर्ड पे, तो आपको वापस मेट्रो इंटरफेस पे ले आता है, और मेट्रो इंटरफेस से अगर आपने डेस्कटॉप पे जाना है तो इस डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे ले आएगा। इसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 डिस्क आया है रिसेंटली, ठीक है। और ये आपके नेटवर्क की सेटिंग है, जो आपको दिखाता है कि आपके नेटवर्क का स्टेटस क्या है, कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। और अगर आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, सबसे बड़ा इशू, ठीक है, विंडोज़ और आई, ठीक है, और ये कंट्रोल पैनल का आइकन, आप इसको प्रेस करेंगे आपको कंट्रोल पैनल में ले जाएगा। पावर ऑफ का बटन करेंगे, वॉइस वॉल्यूम और सारी नोटिफिकेशंस वगैरह। अच्छा, अभी आपने दोबारा अगर विंडोज़ पे जाना है, तो आप फिर अपना माउस कर्सर को यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाएंगे। एक्चुअली ये टच स्क्रीन है, ठीक है। टच स्क्रीन में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, वो आपको सीधा मेट्रो इंटरफेस में ले जाएगा, जिस तरह ये अभी हमें मेट्रो इंटरफेस में ले गया, ठीक है। अगर मैंने अपनी ईमेल चेक करनी, मैं मेल चेक करूंगा, मैसेजेस चेक करने, मैसेजेस चेक करूंगा, और ये लाइव कॉन्टेंट्स हैं, लाइक ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे लिए एक ऐप रन करेगा, ठीक है, जो न्यूज़ गैदर कर रहा है सारी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। टीम GB ये जो ओलंपिक्स हो रही है अभी आजकल, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपको उससे सारी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, अगर आपने देखनी है, फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हो तो ये देख लो, ठीक है। ये कोई दुनिया में कोई मसला खड़ा हो गया होगा या क्या, 89th फ्लोर स्काईस्क्रैपर की स्टोरी, ठीक है। तो अब होगा ये कि जब मैंने वापस विंडोज़ में आना है, ठीक है, तो मैं विंडोज़ का आइकन दबा दूंगा, या अपने माउस को टॉप राइट साइड पे ले आऊँगा, बॉटम लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको स्टॉक मार्केट दिखाता हूँ, जिसका मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है,
ये ऐप व्यू में आ गया मैं, और जनाब ये मेरी ऑयल स्पिलेज का रोला चल रहा है, आरबीएस का रोला चल रहा है, ये एफटीएससी स्टॉक चल रही है, और ये आ गई, दैट्स द स्क्रीन आई लव अलॉट। ठीक हो गया, ये क्या है भला, ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, और ये आपकी सिस्को का शेयर है, सिस्को का शेयर आजकल ऊपर गया हुआ है, ठीक है, पर हाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट राउंड डिस्कस, हम सिस्को का शेयर कह रहे हैं, सिस्को का शेयर इस वजह से ऊपर गया हुआ है कि सिस्को ने अभी रिसेंटली जो है ओलंपिक्स के अंदर काम किया है, और उसके अंदर उसका वैल्यू बढ़ गई है, उसने बड़ा इक्विपमेंट इक्विपमेंट लगाया है, तो ये स्टोरी है, ठीक है। तो इससे बाकी हमने फिर अगर इसकी फुल रेवेन्यू हिस्ट्री वगैरह देखनी है, ये सारा कुछ देख सकते हैं, और विंडोज़ का आइकन दबाऊंगा तो मैं वापस बाहर आ जाऊंगा, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट ये कि ये रेडीमेड टैबलेट्स हैं आपके पास पड़े हुए और आप इनसे खेल सकते हो। अच्छा, अब द कूलेस्ट फीचर आई लाइक, मुझे इतना पसंद है कि शायद मैं विंडोज़ यूज़ करना शुरू कर दूँ अभी मैं शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं करूँगा, ठीक हो गया। तो फीचर क्या है, आपने से सेटिंग्स कुछ ढूंढनी है किसी चीज़ की, तो आप लिखो SET, और वो आपको खुद उधर लेके जाके और आपको सर्च बार में दिखाएगा, अच्छा जी जनाब मुझे सेटिंग्स जो सही हैं उस सेटिंग्स में 127 टाइम्स मिल रही हैं, और देखो चेक फॉर अपडेट्स, ऐड डिवाइस, ऐड प्रिंटर, ऐड ब्लूटूथ डिवाइसेस एंड दिस दिस दिस, ठीक हो गया। अगर मैंने ढूंढना है से ताहा, तो ताहा इसको यहाँ पर नहीं मिल रहा, अगर मैंने कंट्रोल पैनल छोड़ो मैं आपको दिखाता हूँ, नोट पैड ढूंढना है तो आपको नोट पैड मिल जाएगा एप्लीकेशंस में, और ये नोट पैड यू कैन रन योर नोट पैड, दिस इज माई नोट पैड, वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी, ठीक हो गया, लवली, डोंट यू लाइक इट, ठीक हो गया। एक और आइकन मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, वो ये कि ये देख रहे हो अगर हम टॉप बॉटम लेफ्ट साइड पे करेंगे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो हमें दे देगा ये मेट्रो इंटरफेस, ठीक है। अगर हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो ये देख रहे हो ये हमें सेटिंग्स दे रहा है सेटिंग्स की, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर हमारी नॉर्मल सेटिंग्स वगैरह दिखाएगा, ठीक है, टाइल सेटिंग्स और ये वो, ठीक है, चेंज पीसी सेटिंग पे भी हम थोड़ी देर में आएंगे वापस, ठीक है। इसी तरह ये हमें डिवाइसेस दिखाएगा, स्टार्ट पे लेके जाएगा, शेयर पे लेके जाएगा और सर्च पे लेके जाएगा, सर्च हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सर्च पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जिस तरह कुछ भी टाइप करना शुरू करते हैं, से आप काशिफ टाइप करना शुरू करते हैं तो काशिफ आ जाएगा, ठीक है, और फिर वापस डेस्कटॉप पे आना चाहते हो हम डेस्कटॉप पे आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो इतनी सी वो थी हमारी विंडोज़ 8, बाकी आप लोग इंस्टॉल करें, इंजॉय करें, मज़े करें और खुश रहें, ठीक है। मैं आपको क्विकली रन थ्रू करूंगा कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 आया है इसके अंदर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी दिखा दूं एक दफ़ा मैं ना, ताकि फिर मैं उसको बंद कर दूं विंडोज़ को, क्योंकि मेरा खून चूस रही है, वो दोनों तरह से जा सकते हैं, हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या हमारी उर्दू IT अकेडमी खुल रही है या नहीं। वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी, सी दैट्स माई उर्दू IT अकेडमी, ठीक हो गया। आपने अगर इसको यहाँ पे रख के राइट क्लिक करते हैं, आप इसको क्लोज कर सकते हैं, आपने फर्दर न्यू इन प्राइवेट टैब करना चाहते हो या फर्दर टैब खोलना चाहते हो खोल सकते हो, और ये आपका एक्चुअली उर्दू IT अकेडमी आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपका जो सा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको वापस लेके जाता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 के अंदर काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स आए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी कुकीज़ को ट्रैक नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो आजकल की विंडोज़ में भी कर सकते हैं। जो नया जो बिगेस्ट चेंज आया है विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 के अंदर, वो नो प्लगइन्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपने अंदर से प्लगइन्स निकाल दी हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। काम ऐसे होगा कि अगर आपके पास फ्लैश का प्लगइन ही नहीं है और आप फ्लैश यूज़ ही नहीं कर सकते, तो आपके लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि हाउ टू गेट अराउंड दैट। उसका बेस्ट सोल्यूशन उन्होंने निकाला है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद उसके अंदर फ्लैश का प्लगइन ऐड करके देगा, आप फर्दर प्लगइन ऐड नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अगर फ्लैश के प्लगइन के अंदर कल को कोई सिक्योरिटी अपडेट आती है तो फ्लैश वो अपडेट किस तरह भेजेगा, फ्लैश एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट को देगा और माइक्रोसॉफ्ट एक अपडेट रिलीज करेगा और उससे फिर हम लोग विंडोज़ अपडेट करेंगे, ठीक हो गया।
सिक्योरिटी के ऊपर आखिर में आते हैं क्योंकि दैट्स माय बेस्ट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद एक फीचर इन्होंने निकाला विंडोज़ टू गो, मुझे बहुत पसंद आया। आई विश ये जो सा बहुत अच्छी तरह चले और इसके अंदर कोई बग्स ना हो। वो ये है कि आप अपना पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूएसबी ड्राइव के अंदर लेके चलेंगे। वो यूएसबी ड्राइव जो सी है आप कहीं भी लेके जाएं, आप अपने कंप्यूटर के अंदर लगाएं और कंप्यूटर जो सा है वो लेटेस्ट हो और 64 बिट मशीन होनी चाहिए और वो यूएसबी से बूट होना चाहिए। वो यूएसबी से बूट होगा और आपकी विंडोज़ लोड हो जाएगी और वो विंडोज़ स्टैटिक विंडोज़ नहीं होगी, वो अपने अंदर अपडेट्स भी इंस्टॉल करेगी, सारा कुछ करेगी। और अगर कल को आपको कहीं लाइक आप एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, आपने वो विंडोज़ की यूएसबी लगाई, कंप्यूटर को यूएसबी से बूट किया, एक पब्लिक कंप्यूटर था, और आपने विंडोज़ यूज़ करनी शुरू की, करने के बाद आपको पता चला आपकी फ़्लाइट लेट हो रही है, आपने यूएसबी खींची और दौड़ गए, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम में लोड हुआ हुआ था वो कर्नल को ब्लॉक कर देगा अगर उसे यूएसबी ड्राइव नहीं मिलेगी, और वो ब्लॉक करके रखेगा। और अगर 60 सेकेंड तक दोबारा किसी ने यूएसबी प्लग इन नहीं करी तो वो मशीन को रिबूट कर देगा, आपका डाटा वाइप कर देगा, सिक्योर है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन रिकवरी, और आपका डाटा आप उड़ेगा तो नहीं सिस्टम। नॉर्मली हम लोगों के पास विंडोज़ के अंदर भी कपल ऑफ फीचर्स हैं, कुछ लोग बाहर से निकालते हैं, मैं तो ड्रॉप बॉक्स को भी यूज़ करता होता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कैसे देगा? स्टेबिलिटी के अंदर नॉर्मली जो बेस्ट चीज़ मुझे नज़र आती है जो माइक्रोसॉफ्ट ने दी है इस बार, अगर आप यहाँ पे रख के कंट्रोल डेस्कटॉप पे जाके कंट्रोल आई यानी विंडोज़ आई प्रेस करें या कंट्रोल पैनल में चले जाएं, तो नो सॉरी गलत ले गया मैं आपको, ठीक है। आपने जाना है कहाँ पे, मुझे नोट्स रखने चाहिए थे इस तरह के लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए जो कि मैं नहीं रखता, इज माई बैड हैबिट, बैड 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 हैबिट। सेटिंग्स, चेंज पीसी सेटिंग, थैंक गॉड आई गॉट इट, ठीक है। ये वॉलपेपर देखे हैं आपने? मुझे मुझे बहुत सारे वॉलपेपर्स पसंद आए हैं यहाँ पे, वॉलपेपर देखें पहले, पढ़ाएंगे बाद में। अच्छा बल पढ़ा तो नहीं रहा मैं, तो आपको स्नीक व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अभी आप इसके अगर फर्दर नीचे आते जाओ ना, तो जनरल के अंदर ये देखो, रिफ्रेश योर पीसी विदाउट अफेक्टिंग योर फाइल्स। अगर आपके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं और आप अपने पीसी को रिफ्रेश करना चाहते हो तो आप गेट स्टार्टेड और ये रिफ्रेश कर देगा आपके विंडोज को। और अगर आप बिल्कुल ही आपने का रिसाइकिल करना है मैंने पीसी को, तो गेट स्टार्टेड सारा कुछ फारिग कर देगा, आपका डाटा शटा कंप्लीट कर देगा, उड़ा देगा और इसको फैक्ट्री सेटिंग पे ले आएगा, ठीक हो गया। एक और कूल फीचर पता चल गया, आई लाइक इट, आई लाइक इट। मैं आई टेक रिकवरी और वेरी सीरियसली। वेदर की एप्लीकेशन मुझे बहुत पसंद आई है, इसके अंदर बहुत सारे और बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। ये लंदन का जी वेदर फोरकास्ट आ रहा है अभी आपके पास और पार्शली क्लाउडी है, ठीक है। द थिंग आई लाइक इज दिस वन, मेरे ख्याल में और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, सेटेलाइट पिक्चर्स, ठीक हो गया। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि अगले जो 4-5 दिन हैं वो बहुत अच्छे गुजरेंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेनी रोजे की, ठीक हो गया। अब आते हैं बैक टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर जो सबसे पहला फीचर इन्होंने दिया है इस कॉल्ड अ ट्रस्टेड बूट। ट्रस्टेड बूट क्या है कि विंडोज जो सी है वो जब बूट हो रही होती है, एक्चुअली बूटिंग प्रोसेस जो विंडोज का होता है वो ये होता है कि ये बायोस है आपकी, ठीक है। सॉरी मेरे पास अभी वो अपना वो नहीं है तो मुझे लिखने में थोड़ी मुश्किल होगी। बायोस होती है, बायोस लोड होने के बाद ओएस लोडर को लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर को लोड करता है, ओएस लोडर को लोड करता है, और ओएस लोडर जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, ठीक है। अब अगर किसी ने आपके कंप्यूटर के अंदर रूट किट इंस्टॉल करनी या मेलवेयर इंस्टॉल करना है, तो जिस टाइम बायोस के बाद ओएस लोडर लोड हो रहा होता है तो वो सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर रहा होता है, सॉरी यहाँ पे ऐड कर रहा होता है। ट्रस्टेड बूट क्या करती है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोडर की फाइल ले होती है उन्हें डिजिटली साइन कर देती है। डिजिटली साइन ये है कि ये मैंने अपने साइन कर दिए, ठीक है। अब इस साइन के बगैर ये फाइलें लोड नहीं होंगी। अगर कोई हैकर या कोई क्रैकर कोई रूट किट इंस्टॉल करता है तो डेफिनेटली वो ये साइन नहीं कर सकता और वो जो सी है वो फाइल्स को डिस्टर्ब कर देगा, और जिस तरह फाइल्स डिस्टर्ब होंगी
तो वो विंडोज समझ जाएगी इसमें क्या मसला हुआ, वो अपने पास से जो उसने एक जगह हिडन पार्टीशन के अंदर सिक्योर रखी होती है उनको दोबारा उठा के लोड कर देगा और रूट किट और मेलवेयर से आपकी जान छूट जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह एक एक और चीज़ है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस, इज कॉल्ड द TPM, ट्रस्टेड प्रोटेक्टेड मॉड्यूल। ये एक चिप होती है जो आपके मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है और आपका यही काम कर रही होती है, उसके अंदर आपके OS लोडर की जो सर्टिफाइड फाइल्स होती हैं सिर्फ वही पड़ी होती हैं। उसके अलावा एक लास्ट फीचर इज़ कॉल्ड अ बिट लॉकर। बिट लॉकर आप लोगों को सबको पता होगा, जिस तरह हमारी हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को विंडोज 8 जो सी है वो इनक्रिप्ट कर देती है। ठीक है, विंडोज 8 जब इनक्रिप्ट हो जाती है तो उसको अगर कोई हार्ड ड्राइव उस हार्ड ड्राइव को निकाल के कहीं और ले जाए तो वो उस हार्ड ड्राइव में से आपका डाटा स्टील नहीं कर सकता। ठीक हो गया। दैट्स द की पॉइंट ऑफ बिट लॉकर। ठीक है, ये हमारे पास विंडोज 8 के अंदर है और अगर आपने कहीं पे ढूंढना हो इसको विंडोज 8 के अंदर, तो वही मेरा बेस्ट फीचर विच आई लाइक वेरी मच। ठीक है, कि आपने बिट लॉकर सेटिंग्स के अंदर बिट लॉकर इंक्रिप्शन, ये है टर्न ऑन बिट लॉकर, आपके बिट लॉकर और पूरी हार्ड ड्राइव को आपके इंक्रिप्ट कर देगा और उस हार्ड ड्राइव को कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा अनटिल अनलेस उसको अप्रोप्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड ना दिया जाए। हाउ टू रिकवर इट अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं आउटसाइड द स्कोप ऑफ माई प्रोफेशन। ठीक हो गया। तो वो बाद में बात करेंगे कि हाउ टू रिकवर इट। ठीक है, इसके अंदर फिर तीन चार टाइप्स होती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट कि ये एक छोटा सा प्रीव्यू था, हमने देखा कि मेट्रो यूजर इंटरफेस विंडोज 8 के अंदर इंट्रोड्यूस किया, मेनली विंडोज 8 उन्होंने टच स्क्रीन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 दिया जिसके अंदर एक दो अच्छे फीचर्स हैं जिनमें से मेनली उन्होंने सिक्योरिटी पे फोकस किया और उसके अंदर सबसे पहले जो सिक्योरिटी फीचर दिया उन्होंने कि कोई प्लगइन्स नहीं होंगे, ताकि कोई भी अपना प्लगइन इंस्टॉल करना चाहे तो पहले वो माइक्रोसॉफ्ट के पास आए, माइक्रोसॉफ्ट उसे अपने अपने अपडेट में शामिल करे। सिक्योरिटी के अंदर ट्रस्टेड बूट प्रोसीजर्स है कि वो हमेशा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर फाइल्स होंगी उनके सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, अगर वेरीफाई नहीं हो गया तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने पास। ठीक है, और बायोस का एक एडवांस वर्जन है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फर्मवेयर। ठीक है, ये एक्चुअली आपके सिस्टम के अंदर पॉलिसीज डालता है, मसला ये है कि ये बायोस से एडवांस फीचर है और ये आपको क्या करता है, ये आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोवाइड करता है। ये एक्चुअली यही किस्म का काम कर रहा होता है, बायोस की जगह बस UEFI होती है और उसके अंदर पॉलिसी लिखी होती है कि फर्मवेयर जो है वो किस किस्म का होना चाहिए, उसके डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होने चाहिए और स्टफ लाइक दैट। बट इट्स द स्कोप, दिस स्कोप जो ये जो टॉपिक है इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो TPM का पता चल गया, बिट लॉकर का पता चल गया, आपकी हार्ड ड्राइव को इंक्रिप्ट करता है, विंडोज टू गो, आई विश आई विश आई विश कि ये बड़ा स्मूथली मार्केट के अंदर चले और इसके अंदर बहुत सारे बग्स ना आए या इसके इसके हैक्स एंड क्रैक्स ना मिलें किसी को। तो लेट्स सी, विंडोज हर दफ़ा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करता है कहता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता साथ साथ हैकर्स क्रैकर्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद स्टेबिलिटी के अंदर हमने देखा कि अगर आपने अपनी विंडोज को रिफ्रेश करना है या रीसेट करना है तो यू कैन डू इट। ठीक है, खुश रहें, खुश रखें, दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।